सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया और हमारे शहर के होने वाले मित्रों का निर्णय हम सब पूरी शक्ति के मशीन का स्वागत करते हैं। इस कार्यक्रम के हमारे खास आयोजक रिस्पेक्टिव देव प्रकाश गुप्ता जी, भाई रिपोर्ट गुप्ता जी और भाई विनोद गुप्ता जी, आपका भी दिल से हार्दिक धन्यवाद। आपने इतना बड़ी आत्मा खूबसूरत प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जैसे साहब के लिए, और मैं विशेष तौर पर धन्यवाद करता हूँ हमारे उन्नीस सत्र से आए सभी रिस्पेक्टिव बुजुर्ग, मेरी माताएँ बहने और मेरे युवा साथी, विशेष तौर पर आय साहब, बाबा जी, बाकी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष तौर पर सभी उन्नीस सत्र के जितने लोग यहाँ पर आए हैं, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, फिर भी एक रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ 5 साल निकल दो। अगर 5 साल में आपको कुछ मिला हो, डेवलपमेंट हुई हो, कोई नई प्रोग्रेस हुई हो, कोई नया प्रोजेक्ट चंडीगढ़ में आया हो, तो आप ये गलत बता सकते हैं। इन 5 सालों पर कोई काम नहीं होगा। 5 साल से बंसल साहब एमपी नहीं थे। 5 साल पहले जो डेवलपमेंट शुरू हुई थी वो बिल्कुल खत्म हो गई थी। 5 साल में कोई काम नहीं हुआ। मैं बिल्कुल खुली बात और सच बात बोलता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। अभी रतन जी से भी बात हुई, श्याम जी से भी बात हुई कि शहर 5 साल पहले जैसा था स्कूल वैसा ही आज बना है। कोई नया प्रोजेक्ट, नई प्रोग्रेस, कोई नई डेवलपमेंट शहर में नहीं हुई। पार्लियामेंट का जो फंड होता है, एमपी फंड जिसको बोलते हैं, एक भी पैसा उन्नीस सेक्टर को नहीं मिला। इसके अंदर जो बंसल साहब यहाँ से एमपी थे, उन्होंने कभी भी कोई कसर नहीं छोड़ी, किसी चीज को उन्होंने मना नहीं किया। सबसे पहले मैं कम्युनिटी सेंटर का जिक्र करना चाह रहा हूँ कि जब कम्युनिटी सेंटर की जगह अलाट हुई थी तो बंसल साहब ने उस कम्युनिटी सेंटर को बनवाया था। मंदिर मंदिर हो, सनातन धर्म मंदिर हो, आपको याद होगा कि वहां कितना बुरा हाल थी, ना लाइट थी ना पार्किंग थी। उन्होंने एमपी फंड से पैसा दिया और बिल्कुल फर्स्ट क्लास टेबल रोड लग गया है, लाइटें लग गई हैं और पार्किंग करने के लिए इतनी बड़ी बन गई है कि जितनी मर्जी चाहे वहां 500 गाड़ियां खड़ी कर लो। हमारे 19 पी में जो पार्क है, इतना सुंदर पार्क, वो सिर्फ 500 करोड़ का लेकिन थोड़ी देर 10 मिनट के बाद जब बोली ने खासकर माता
चलना भी मुश्किल है। सारा खुर्दिया टूट चुका है। पीछे अनिता जी ने बताया था कि एक बहन हमारी वहां सैर कर रही थी तो उसका पैर उसमें फंस गया, उनको फ्रैक्चर हो गया। 68 नंबर से मैडम ममता जी आई है। साउंड प्रॉब्लम नहीं, साउंड परमिशन नहीं है। अब आपको पता है कि 5 साल पहले यहाँ कितने प्रोग्राम होते थे, कितनी रौनक लगती थी, लेकिन अब लोग वहां पर अपनी बुकिंग भी कैंसिल करा रहे हैं परेशान होकर, क्योंकि साउंड दिन में भी अलाउड नहीं है, रात को तो क्या चलेगा। बताओ उसको इतना पैसा 3 करोड़ रुपए लगाने का फायदा क्या हुआ। हमारे काउंसिलर यहां से बहन आशा जी हैं, उन्होंने वादा किया था एक स्मार्ट सेक्टर बनाने का, पहले स्मार्ट सिटी का वादा किया, वो तो फ्लॉप हो गया। 1,000 करोड़ फंड मिला था स्मार्ट सिटी के लिए चंडीगढ़ को, और उसमें से खर्च हुए सिर्फ 96 करोड़। और वो कहां खर्च हुए, एक सर्वे बना दिया रोज गार्डन से 17 सेक्टर में एंट्री करने के लिए, वेस्टेज ऑफ मनी, उसका कोई फायदा नहीं है। तकरीबन 100 करोड़ रुपया वेस्ट कर दिया, जबकि ये 100 करोड़ रुपये बड़े अच्छे कामों में यूज हो सकता था। अभी कल आज ही अखबार में एक फोटो मैंने देखी कि गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे फर्श पर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूलों में पानी के पीने की व्यवस्था नहीं है। गांव के चंडीगढ़ के जो गांव हैं उनको जाके देखिए, सीवेज जो है वो गलियों के ऊपर से ओवरफ्लो कर रहा है। तो ये पैसा कितना बढ़िया कहाँ कहाँ यूज हो सकता था अगर ये यूज नहीं होता। उसके उल्टा अभी पता लगा कि 7-8 करोड़ रुपए तो सिर्फ स्मार्ट सिटी